नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो पिछली कड़ी में मैंने करेज टू बी डिसलाइक्ड की ऑडियो बुक बनाई थी, जिसको मैं फर्स्ट नाइट ही कवर कर पाया था और उसके बाद मैं बिज़ी हो गया। तो इस बार मैंने सोचा कि वहाँ से कंटिन्यू ना करके शुरू से मैं इस बुक को करूँ और एक नए अंदाज़ में करूँ, जिसमें पहले मैं इस बुक को पढ़ूँ और फिर उसके हर एक चैप्टर को डिस्कस करूँ। तो मुझे लगता है कि जब हम डिस्कस करते हैं तो हम बेहतर उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे करेज टू बी डिसलाइक बुक, जो कि मेरी फेवरेट है, और ये बुक बेस्ड है एडलीरियन साइकोलॉजी पे, जो कि एक नया थॉट ऑफ स्कूल है साइकोलॉजी का। तो शुरू करते हैं। ये बुक रहेगी हिंदी ऑडियो बुक रहेगी थ्रू आउट ये, और मैं कोशिश करूँगा कि एक प्रॉपर समय अंतराल के बाद मैं ये डालता रहूं, तो अगर कहीं मिस हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। शुरू करते हैं ऑथर्स नोट से। इसमें सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल जंग और एल्फर्ड एडलर, जो कि माने जाते हैं साइकोलॉजी की दुनिया के तीन बड़े जायंट, और इस बुक में जो आइडियाज़ डिस्कस किए गए हैं वो एडलर के फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल आइडियाज़ हैं और उनकी टीचिंग है। और इस बुक में मेनली एक फिलोसोफर और एक यंग एक व्यस्क मैं आदमी का जो डायलॉग बताया गया है, संवाद बताया गया है, जिसके ज़रिए हमें ये साइकोलॉजी समझाई गई है। इस साइकोलॉजी को यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत पसंद करते हैं, और क्योंकि ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर्स जो हैं बताती हैं फिलोसफिकल क्वेश्चंस के, जैसे हम खुश कैसे रह सकते हैं। और अगर आपको इनका आंसर चाहिए तो एडलीरियन साइकोलॉजी की हो सकती है, और इसको पढ़ के आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, जो कि हर बुक कहती ही है, पर ये आप पे है कि आपको वो जो बुक आपको बता रही है, क्या आपको वो आपके मेंटल लेवल पे भी आपको वो समझ आ रही है, आपको उतना वो प्रोवोक कर पा रही है या नहीं। तो चलिए अब पढ़ते हैं एक यंग मैन और फिलोसोफर के बीच में बीच की कॉन्वर्सेशन। तो थोड़ा सीन सेट करते हैं यहाँ पे। 1000 ईयर ओल्ड सिटी में और उसके आउटस्कर्ट्स में एक फिलोसोफर रहता था, जो ये बताता था या ये सिखलाता था कि जो दुनिया है वो सिंपल है और हैप्पीनेस जो है वो किसी के भी रीच में है, कोई भी आसानी से उसको पा सकता है। पर एक यंग आदमी था, एक जवान आदमी था, जो कि इस बात से सेटिस्फाइड नहीं था, वो लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था, और वो फिलोसोफर से मिलना चाहता था ताकि इस मैटर के जड़ तक पहुंच सके। उस जवान आदमी को लगता था कि जो दुनिया है वो केओटिक है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है और कॉन्ट्राडिक्शंस ही कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, और उसकी एंशियस आंखों में हमेशा ही हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस रहती थी। तो अभी हम इसका जो पहला पार्ट शुरू करते हैं, पहली नाइट पहला पार्ट सॉरी इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं परिचय। और इसमें मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये बुक के जो आइडियाज़ है वो बिल्कुल अलग हैं जो हमने सीखे हुए हैं बचपन से, हमारे रिलीजन से, हमारी अपनी देश की फिलॉसफी से, या जहाँ से भी हमने फिलॉसफी सीखी है बड़े होते टाइम। तो हो सकता है कि ये बुक आपको ट्रिगर करे, आपके थॉट्स को ट्रबल करे और आप एंग्जियस फील करें, आप डिस्टर्ब फील करें। तो मेरी एक राय है, मेरा एक सजेशन है कि जब इस बुक को पढ़ें आप ये ना समझें कि ये बुक सही कह रही है, और आप ये भी पीछे छोड़ दें कि जो आपने सीखा है वो सही है और जो आप सीखेंगे इस बुक से वो सही है। दोनों चीज़ों को आप नज़रअंदाज करें। जस्ट एक बुक क्या कहना चाह रही है, जब तक हम बुक पढ़ रहे हैं तब तक हम सिर्फ उस बुक के बारे में सोचें और उसको अपनी लाइफ से रिलेट करने या दुनिया से रिलेट करके सोचने की जो है हम कोशिश करें, तभी हम इस बुक से जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख सकते हैं, और फिर हम अपने विचारों के साथ भी इसका जो विचारों के साथ वार्तालाप हमारी हो सकती है कि ये क्या कह रही है और हमारे विचार क्या कह रहे हैं, और उससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी जो है आएगी। तो अगर आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं तो
चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूथ बोलता है, आई वॉन्ट टू आस्क यू अगेन, यू डू बिलीव दैट वर्ल्ड इज इन ऑलवेज अ सिंपल प्लेस। यूथ बोल रहा है कि मैं आपसे पूछना, एक बार फिर पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सच में बोल रहे हैं कि दुनिया सिंपल है? फिलोसोफर बोलता है कि हाँ बिल्कुल सिंपल है, दुनिया भी सिंपल है और ज़िंदगी भी सिंपल है। तो यूथ आगे बोलता है कि ये आपका एक आर्गुमेंट है कि आपके पास कोई वर्केबल थ्योरी भी है, आप ऐसे ही बोली जा रहे हैं। तो कोई भी, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी इशू है ज़िंदगी में जो हम फेस करते हैं या कोई और फेस करता है वो सिंपल है। तो फिलोसोफर बोलता है हाँ बिल्कुल सिंपल है। अब यूथ आगे बोलता है कि मैं नहीं मानता पर मैं फिर भी आपसे बात करना चाहूँगा, मैं तब तक आपसे डिबेट करना चाहूँगा जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता, तो मैं इस मुद्दे की जड़ तक जाना चाहूँगा। तो फिलोसोफर बोलता है, वो चकल करता है, हाँ हाँ। तो यूथ आगे बोलता है, अपनी वो राय बताता है जो उसकी दुनिया के बारे में है, संसार के बारे में है, ज़िंदगी के बारे में है। वो कहता है कि जो आसपास जो वर्ड है आपके बारे में, फिलोसोफर के बारे में, वो ये है कि ये फिलोसोफर संकी है, पर इसकी जो टीचिंग्स या आर्गुमेंट है इसको इग्नोर करना मुश्किल है। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, जब से मेन है कि दुनिया आसान है और हर कोई बंदा खुश रह सकता है। तो मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ अपने आप से कि सच में कि दुनिया सिंपल है, कि आप जो बोल रहे हैं वो बकवास है। तो जब भी अगर मैं कुछ, हमारी वार्तालाप के दौरान कुछ ऐसा लगा कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा, तो मैं डायरेक्टली आपको बोल दूंगा और आपको करेक्ट करने की कोशिश कर दूंगा। पर क्या आप उससे नाराज़ हो जाएंगे? तो फिलोसोफर कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा, मैं इसको वेलकम करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि इस वार्तालाप से, इस संवाद से मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीख सकूं। तो यूथ आगे बोलता है, शुक्रिया, मैं आपको डिसमिस नहीं करना चाहता, आपके थॉट्स को डिसमिस नहीं करना चाहता, मैं आपके जो आपके विचार हैं उनको कंसिडर करूँगा और मैं कोशिश करूँगा आपकी, आपके बात को भी समझने की कि ज़िंदगी सिंपल है और संसार भी सिंपल है। पर मेरे को एक डाउट है, जैसे ये कुछ इस तरह का है जो जैसे एक बच्चा सोचता है। तो बच्चा ये सोचता है, उनको कोई काम नहीं होता, उनका कोई कर्तव्य नहीं होता, उन्होंने कोई टैक्स नहीं पे करना होता, ना ही उन्होंने कोई काम में जाना होता है। उनकी देखभाल के लिए उनके पेरेंट्स हैं, उनकी सोसाइटी है, तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। वो मज़े से अपना काम करते हैं, सारा दिन खेलते हैं, पढ़ते हैं और सो जाते हैं। तो उनके व्यू पॉइंट से मैं सोच सकता हूँ कि उनके लिए लाइफ आसान है और जो संसार है वो भी आसान है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब वो बच्चा जवान होता है, एडल्टहुड में रीच करता है, तब वो दुनिया का सही नेचर उसको सामने पता लगता है। तो ये सब देखने के बाद उसके जो ओपिनियंस हैं वो बदल जाते हैं और उसको पता लगता है कि दुनिया कितनी मुश्किल है, कितनी इम्पॉसिबल है, और उसका जो एक रोमांटिक व्यू है वो क्रूल रियलिज्म में बदल जाता है कि रियलिटी में दुनिया जो है बहुत मुश्किल है, बहुत क्रूल है। तो फिलोसोफर बोलता है कि हाँ ये एक अच्छा व्यू है। तो यूथ आगे बोलता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को देखता है कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे रंग भेद है, चाहे जाति का भेद है, चाहे किसी भी तरह का भेद है, दुनिया में जंग है, वॉर है, इनइक्वालिटी है, और ये सब वो इग्नोर नहीं कर पाता और ये चीज़ें हम सब भी फेस करते हैं, तो क्या मैं गलत हूँ? वो फिलोसोफर को पूछता है ये सब बातें। तो फिलोसोफर कहता है ये सब मेरे को ठीक लग रही है, पर आप आगे बोले। तो यूथ आगे बोलता है, जब
इंसान को प्रॉब्लम थी तो उसने रिलीजन, चलो उसमें आया, और रिलीजन की वजह से जो डिवाइन की टीचिंग है वो हमारे पास आई, वो हमारे लिए सब कुछ है और हम उसको बस ओबे करना है और उसके हिसाब से चलना है, तो ज़िंदगी आसान है। बट आजकल जो धर्म ने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी हैं, इस दुनिया में अब भगवान पे किसी को विश्वास नहीं है और किसी चीज़ पे हम रिलाई नहीं कर सकते, तो इसलिए सब चीज़ जो है वो एंजाइटी और डाउट से बनी हुई है, ऐसा यूथ को लग रहा है, ये यूथ कह रहा है। तो हर बंदा अपने लिए जी रहा है और जो सोसाइटी है, जो आज की सोसाइटी है, इसके हिसाब से क्या आप फिर कहना चाहेंगे कि दुनिया आसान है? फिलोसफर बोलता है, हाँ मैं अभी भी अपने ही बात पे अड़ा हूँ, टिका हूँ कि दुनिया आसान है और ज़िंदगी भी आसान है। तो यूथ फिर बोलता है, कैसे? हर कोई देख सकता है कि ये जो दुनिया है ये केओटिक मास ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस है, मतलब कोई सीधा आंसर नहीं है किसी भी बात का। आप ए से बी में जाओगे तो बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा आ जाएगी आपको, कोई बोलेगा ये सच है, कोई बोलेगा ये सच है, ए की ओपिनियन कुछ और है, बी की ओपिनियन कुछ और है, तो सो मैनी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं यहाँ पे। तो फिलोसफर वो बोलता है, बड़ी अच्छी बात बोलता है फिलोसफर यहाँ पे, कि ये इसलिए नहीं है कि दुनिया कॉम्प्लिकेटेड है, ये इसलिए है क्योंकि तुमने दुनिया को कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। तो यूथ थोड़ा अजीब फील करता है इस बात से और वो बोलता है कि मैंने, तो फिलोसफर आगे बोलता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में नहीं रहना चाहता या रहता है, पर हम एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड में रहते हैं जिसको हमने मीनिंग दिया हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं आगे बताता हूँ कि वो फिलोसफर क्या कहना चाहता है इससे। जो हम दुनिया देख रहे हैं ये बिल्कुल अलग है जो ये है, और जो मैं दुनिया देखता हूँ वो शेयर करना किसी के साथ, किसी और के साथ नामुमकिन है। तो हर हर किसी ने अपनी सब्जेक्टिविटी के हिसाब से, हर कोई अपनी सब्जेक्टिविटी के हिसाब से इस दुनिया को देखता है। तो यूथ बोलता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? हम सेम दुनिया में रह रहे हैं, सेम कंट्री में रह रहे हैं, सेम टाइम में हैं, सब कुछ सेम देख रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं? तो फिलोसफर बोलता है कि तुम मुझे बहुत यंग लग रहे हो, युवा लग रहे हो, पर क्या तुमने कभी कुएं में से पानी निकाल के पिया है? तो आगे यूथ बोलता है, हाँ मुझे याद है बहुत समय पहले मेरी दादी माँ के घर, जो कि एक गांव में था, वहाँ मैंने एक कुएं में से, एक गर्मी के दिन में एक कुएं में से मैंने ताज़ा ठंडा पानी पिया था। तो फिलोसफर बोला कि तुम्हें पता है कि जो कुएं का पानी है वो पूरे साल एक ही टेम्परेचर पे रहता है, रफली 60 डिग्री। ये एक ऑब्जेक्टिव नंबर है, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है, ये किसी की सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये जो है वो है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में अभी मैं समझा दूँ, जैसे चले मैं जब इस स्टोरी को कंप्लीट करूँगा कुएं वाली को, तब मैं शायद ज़्यादा बेहतर समझा पाऊँगा। तो जो कुएं का जो टेम्परेचर है पानी का, वो ऑब्जेक्टिव नंबर है, ये फिलोसफर कह रहा है, और ये हमेशा सेम रहता है कोई भी इसको मेजर करे। पर अगर आप इसको गर्मियों में पीते हो तो आपको यह ठंडा लगता है, पर अगर आप इसको सर्दियों में पीते हो तो यह आपको गर्म लगता है, इवन दो इट्स द सेम वाटर, पर मतलब है तो ये एक वही पानी है जो 60 डिग्री पे था थर्मामीटर पे जिसको चेक किया था। तो ये डिपेंड करता है समर और विंटर पे। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ गई कि पानी का टेम्परेचर जो है वो कभी फील होता है हमें, गर्मियों में ठंडा फील होता है, सर्दियों में हमें गर्म फील होता है, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है जो डिपेंड कर रही है किसी एक्स्ट्रा चीज़ पे, बाहर की चीज़ पे, लाइक वेदर पे।
पर ऑब्जेक्टिव चीज़ क्या है जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही, जो चीज़ वो है वो है, वो 60 डिग्री है वो है, ठीक है। तो इससे हमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब जो है समझ आते हैं। तो आगे यूथ बोलता है कि ये इल्यूजन जो है ये कॉज हुआ है इन्वायरमेंट चेंज की वजह से, कि एक बार गर्मी है एक बार सर्दी है, इसलिए ये हमें इल्यूजन लग रहा है। बट फिलोसफर इस बात को काटता है कि ये इल्यूजन नहीं है, जो कूलनेस है या वार्म्थ है वाटर की वो अनडिनाइबल फैक्ट है, वो है, वो आपको फील हो रहा है, एक बार ठंडा है एक बार गर्म है। तो अपनी सब्जेक्टिविटी से आप भाग नहीं सकते, आपको मानना ही पड़ेगा कि वो ठंडा है तो वो ठंडा है, वो कोई इल्यूजन नहीं है, वो गर्म है तो वो गर्म है। तो अभी जो दुनिया है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड या मिस्टीरियस लग रही है तुम्हें, बट अगर तुम चेंज होते हो तो वो भी तुम्हें और आसान लगती है। सो ये दुनिया के बारे में नहीं है पर ये तुम्हारे बारे में है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फिजिक्स का एक जोड़ना चाहूँगा कि रिलेटिविटी सिद्धांत है फिजिक्स में। रिलेटिव का मतलब होता है जब मान लो हम दो बंदे, तीन इवेंट हो रहे हैं ए बी सी, तो सी इवेंट को ए बंदा भी देख रहा है और सी इवेंट को बी बंदा भी देख रहा है, पर दोनों को उस इवेंट की, दोनों के पास उस इवेंट की अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है, तो वो उनका एक सब्जेक्टिव थॉट है। तो वो डिपेंड करता है आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो। खैर, तो आगे यूथ बोलता है कि जैसे फिलोसफर ने उसको बोला कि ये दुनिया के बारे में नहीं है ये तुम्हारे बारे में है, तो यूथ फिर बोलता है कि मेरे बारे में कैसे। तो फिलोसफर आगे बोलता है, अगर तुम दुनिया को काले चश्मे से देख रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि हर एक चीज़ काली है, पर अगर तुम उसको काले चश्मे को रिमूव कर दोगे तो तुम्हें लग सकता है कि वो दुनिया बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और तुम्हें इनवॉलेंट्री मतलब बिना सोचे ही तुम्हें अपनी आँखों को बंद करना पड़ेगा, और फिर तुम चाहोगे कि मैं अपने जो चश्मा है उसको वापस पहन लूँ। बट क्या तुम उसको पहली पहली बार में ही हटाना चाहोगे? क्या तुम दुनिया को डायरेक्टली देखना चाहोगे? क्या तुम में वो साहस है डायरेक्टली देखने का? तो यूथ फिर बोलता है साहस, ये जो साहस की बात यहाँ पे वो कर रहा है, यही जो सेंट्रल आइडिया है इस बुक का, जो आगे जैसे जैसे हम जाएंगे इस बुक में हमें और समझ में आएगा। तो फिलोसफर बोलता है हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ करेज, कि ये करेज का ही मैटर है। तो यूथ आगे बोलता है कि ठीक है, पर मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, मैं उनको प्रकट करना चाहूँगा पर मेरे को एक फील आ रहा है कि क्यों ना मैं उन पे बाद में बात करूँ। तो मैं जस्ट ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि लोग चेंज हो सकते हैं। तो फिलोसफर बोलता है हाँ, लोग चेंज हो सकते हैं, वो खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तो यूथ आगे बोलता है सभी बिना किसी एक्सेप्शन के। तो फिलोसफर आगे बोलता है हाँ, नो एक्सेप्शन वट्स एवर, हाँ कोई, हर कोई कर सकता है, सब मज़े में कर सकते हैं। तो आगे यूथ बोलता है हाँ हाँ वो मज़ा लेता है, तुम अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो मैं तो तुम्हें इमिडिएटली मैं आर्ग्यू कर दूंगा। फिलोसफर बोलता है कि मैं कहीं भाग नहीं रहा, तो हम अपना जो टाइम है वो डिबेट करते हैं, एक हेल्दी डिबेट करते हैं। और तो तुम्हारी ये पोजीशन है कि लोग बदल नहीं सकते। तो यूथ बोलता है हाँ, मुझे लगता है कि लोग बदल नहीं सकते, वो जैसे बन गए हैं बन गए। और एक्चुअली आई एम सफरिंग माई सेल्फ, कि मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ क्योंकि मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिलोसफर कहता है एट द सेम टाइम, उसी समय में यू विश यू कुड, लाइक तुम कर सकते हो, अगर तुम चाहते तो तुम कर सकते हो। आगे यूथ बोलता है अगर मैं चेंज हो गया, अगर मैंने ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट की, तो मैं खुशी से तुम्हारे कदमों में गिर जाऊंगा,
पर मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले तुम मेरे कदमों में गिर जाओगे। तो ये यूथ का नासमझीपन है या उसकी ईगो है या क्या है पता नहीं। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे थॉट्स ज़्यादा प्रबल हैं, तो दुनिया में आदमी चेंज नहीं हो सकते, तो फिलोसफर हार जाएगा मेरे से। वो ऐसा सोचता है। तो आगे फिलोसफर कहता है कि तुम मेरे को मेरे स्टूडेंट वाले दिनों की याद दिला रहे हो, जब मैं बहुत ही गर्म खून का इंसान युवा होता था और मैं सच की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और फिलोसफर से ऐसे बातचीत करता रहता था, उनको चैलेंज करता रहता था। तो युवा बोलते हैं, हाँ मैं सच जानना चाहता हूँ, ज़िंदगी का सच। तो फिलोसफर आगे बोलता है कि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कोई अपना शागिर्द या चेला बनाऊँ, मैंने कभी नहीं किया। पर जब से मैंने ग्रीक फिलॉसफी का मैं स्टूडेंट बना हूँ और मैं एक अलग फिलॉसफी के कांटेक्ट में भी आया हूँ, तो मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कोई युवा आदमी मुझे विजिट करे, मेरे पास आए। तो यूथ यहाँ से एक चीज़ उठा लेता है कि अनदर फिलॉसफी, कि आपने जो अलग फिलॉसफी की बात की वो क्या हो सकती है। तो फिलॉसफर यहाँ पे बोलता है कि मेरी पढ़ाई अभी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तुम इन इसमें जाओ और ये बहुत ही लंबी रात होने वाली है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक गरम कॉफ़ी बनाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट, नॉट फर्स्ट चैप्टर बट इंट्रोडक्शन जो है बुक का, वो ख़त्म होता है। और इसमें हमें एक भूमिका मिल रही है पूरी बुक की, कि ये बुक में क्या क्या डिस्कशंस जो है होने वाला है। तो इस चैप्टर के बाद हम जो भी इसमें हुआ है हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ मेरी दोस्त है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो अंदाज़ है बुक रीडिंग का, ये पसंद आएगा। तो अब हम इस पे बात कर सकते हैं, लाइक दिस इज़ ओपन, वो चलती रहेगी रिकॉर्डिंग। अच्छा सो यू वॉन्ट टू डिस्कस एनी आइडियाज़ लाइक इन दिस बुक की, कुछ हम पॉइंट्स से शुरू कर सकते हैं इफ़ यू फील लाइक। हाँ, ले मेरे को जो बहुत अच्छी लगती है ये बुक के बारे में, दैट इट बेसिकली शेक्स आर एंटायर फाउंडेशन हिंदी में, लाइक वो ना अपने फाउंडेशन हिला देती है, कि क्योंकि वो प्रश्न करती है कि लाइक जैसे हम लोग वो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में पढ़े हैं फिजिक्स में भी छोटे टाइम से, लाइक आप अच्छा रहो तो लाइक आप अच्छा काम करोगे तो लाइक आपके लिए अच्छा लाइक जिंदगी मिलेगा। पर क्या है, लाइक ये पहली चैप्टर में ही वो कॉज एंड इफेक्ट का वो जो हम लोग सीखे हैं छोटे टाइम से, ये फिलोसोफर उसको खारिज कर देते कि लाइक ये ऐसा नहीं है और हम लोग जिंदगी को ऐसे ही बहुत खूबसूरत बना सकते हैं और हम लोग सब टाइम पे हम लोग खुशी रह सकते हैं। ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है इस बुक में। लाइक मैं भी आपके साथ जैसे लाइक पहली चैप्टर ही पढ़ी हूँ, तो लाइक आगे देखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग जीवन में खुश रहना अच्छे से सीख पाते। बढ़िया। तो पहले चैप्टर में इतना कोई खास डीप थॉट्स नहीं डिस्कस किए गए हैं, जस्ट एक आइडिया हमें दिया गया है कि किस चीज़ पे बात होने वाली है। जैसे आपने देखा कि उसने करेज की बात की, कि दुनिया को तुमने काले चश्मे से देखोगे तो तुम्हें काली दिखेगी, और तुम अगर चश्मा हटा दोगे तुम्हें ब्राइट दिखेगी। ब्राइट से उसका मतलब है कि तुम वो चीज़ है जो तुम देखना नहीं चाहते, तो वो तुम तभी देख सकते हो जब तुम एक साहस करोगे कि जो रियलिटी जैसी है उसको देखने का, जब तुम्हें एक साहस अंदर से आएगा। तो देखते हैं आगे क्या बात होती है। हमारे पास यूथ है, हमारे पास फिलॉसफर है। यूथ जो है बहुत रिलक्टेंट है, उसके आइडियाज़ बड़े सॉलिड हैं,
कि कोई चेंज नहीं हो सकता, दुनिया बेकार है, दुनिया में नीरस नीरस है दुनिया। और फिलोसफर का बिल्कुल आइडिया उल्टा है कि नहीं, दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में बहुत मस्ती है। ये बस अपने आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आपने दुनिया को जो परसीव करना है। तो मैं अपने थॉट्स बताऊं तो मेरा कह सकते हैं कि 80-20 का है। मैं 80% अब तक जितना चैप्टर हमने पढ़ा है, 80% मैं राइम करता हूँ फिलोसफर के साथ और 20% मैं राइम करता हूँ यूथ के साथ। मैंने ये बुक पढ़ी थी करीबन 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले। तो अभी मैं दोबारा पढ़ूंगा तो और रिफ्रेश होंगे, तो आई होप ये परसेंटेज बेहतर बनेगी। तो आई एम नॉट गोइंग टू लाइक कि आई एग्री 100% विद द फिलोसफर, बट आई वुड लव टू, बट आई वुड मैं तभी ये कहूँगा जब मैं उसको फील कर पाऊंगा। बट राइट नाउ फॉर मी लाइक वर्ल्ड इज बैड, या बट टू परसीव लाइक आई वॉज ऑल्सो डिस्कसिंग आपसे, मैं बात कर रहा था कि इस बात को जब हम अपना लेते हैं कि दुनिया मुश्किल है, जब हम इस बात को अपना लेते हैं तो दुनिया हमारे लिए आसान बन जाती है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस बुक में। अब तो इसकी जो मेन जो हम बुक में जा रहे हैं वो, अब इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग का नाम है द फर्स्ट नाइट। इसमें आगे चैप्टर हैं बहुत सारे, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक एक चैप्टर ऐसे मैं रिकॉर्ड करता जाऊँ। तो शुरुआत करते हैं पहली रात से, जिसका नाम है डिनाई ट्रॉमा, यानी ट्रॉमा ट्रॉमा से इनकार। ट्रॉमा होता है सदमा, सदमा जैसे कोई आपकी ज़िंदगी में आपका कोई खास था, उसकी डेथ हो जाती है, या आप आपके कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी मिस हैपनिंग आपकी लाइफ में होती है जिससे आपको बहुत शोक लगता है, आप उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो उसको हम सदमा या ट्रॉमा कहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, इसकी भूमिका पढ़ते हैं फर्स्ट नाइट की, कि जो युवा आदमी है वो अंदर जाता है और चेयर पे बैठता है। अब क्या, क्यों वो बहुत डिटरमाइंड था फिलोसफर की थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए? उसके रीजंस बड़े क्लियर थे, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, बचपन से उसमें इन्फियोरिटी वाली फीलिंग थी, डर डर की फीलिंग थी उसके अंदर रिगार्डिंग टू हिज पर्सनल और एकेडमिक बैकग्राउंड में उसकी डर की फीलिंग थी। उसकी फिजिकल अपीरेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये सब के लिए वो बहुत अंडररेटेड फील करता था अपने आप में। उसके साथ वो बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस हो जाता था जब वो लोगों से मिलता था या लोग उसकी तरफ देखते थे। तो वो इनकैपेबल था, अयोग्य था ये सच में एप्रिशिएट करने में कि दूसरे लोग भी खुश रह सकते हैं। वो बस उनकी खुशी को नज़रअंदाज करता था और हमेशा अपने में ये सोचता था कि अपने अपने आप को बुरा फील करवाता रहता था, अपने आप पे दुख व्यक्त करता रहता था। तो उसको लगता था कि जो फिलोसफर के क्लेम है ये बस फैंटेसी है, ये बहुत बस काल्पनिक चीज़ें हैं। तो ये यूथ के माइंड में जो भी चल रहा है। तो पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है द अननोन थर्ड जाइंट। तो इस चैप्टर का नाम आगे जैसे मैं पढ़ूंगा चैप्टर क्लियर होगा इसका मतलब क्या है। तो ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, तो शुरू करते हैं। युवा बोलता है, कुछ समय पहले आपने बोला अनदर फिलॉसफी, पर मैंने सुना है कि आप ग्रीक फिलॉसफी में आपका इंटरेस्ट है। तो फिलॉसफर बोलता है कि ग्रीक फिलॉसफी हाँ मैंने काफ़ी पढ़ी है जब मैं टीनेजर था, और उसमें बड़े ही महान फिगर्स हैं, महान उसमें फिलॉसफर रहे हैं, लाइक सुकरात रहा है, प्लाटो रहा है और एरिस्टोटल रहा है। और मैं अभी एक प्लाटो का जो काम है, प्लेटो का जो काम है जैसे भी हम बोलें इसको, उसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं अपनी बाकी सारी ज़िंदगी जो क्लासिकल ग्रीक थॉट है उसको पढ़ने में बिता लूँ। पर वो तो ठीक है, पर अदर फिलॉसफी आपने अभी तक नहीं बताया, ये कौन सी फिलॉसफी? तो फिलॉसफर ने बोला
ये बिल्कुल एक नया स्कूल है साइकोलॉजी का, जिसको बनाया था ऑस्ट्रियन साइकेट्रिस्ट अल्फ्रेड एडलर ने 20वीं सदी के शुरुआत में। तो इसको हम जनरली बोलते हैं एडलीरियन साइकोलॉजी। तो मैंने मैंने मतलब मैंने जो बोल रहा है, मैंने भी ये कभी सुनी नहीं थी जब मैंने बुक ये पढ़ी नहीं थी। मैंने सिर्फ फ्रॉयड की साइकोलॉजी सुनी है, और जो भी जिसके बेस पे हमारी पूरी मेडिकल साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइंस हमारी डेवलप हुई है, वो फ्रॉयड के आइडियाज़ के बेस्ड है और जंग के आइडियाज़ के बेस्ड है, जिसमें वो मानते हैं कि ट्रॉमा होता है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें चेंज करते हैं। तो ये दोनों साइकोलॉजी काफ़ी आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, तो हम वो जानेंगे जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं। तो हाँ, यूथ युवा बोलता है कि मैं कभी नहीं इमेजिन कर सकता हूँ कि एक जो स्पेशलिस्ट है ग्रीक फिलॉसफी में, वो भी साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड होगा। तो फिलॉसफर बोलता है कि मैं ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, अदर बाकी साइकोलॉजी के स्कूल से मैं ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ बड़ा क्लियरली, बड़े साफ तरीके से, कि जो एडलीरियन साइकोलॉजी है ये ग्रीक फिलॉसफी से बहुत मिलती जुलती है। तो यूथ बोलता है, हाँ मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है फ्रायड और जंग की साइकोलॉजी के बारे में, जो कि एक बहुत बेहतरीन फील्ड है। तो फिलॉसफर बोलता है, हाँ फ्रायड और जंग बहुत रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, एडलर भी उनमें से एक कोर मेंबर था वियना साइको एनालिटिक सोसाइटी का, जिसको फ्रॉयड लीड करते थे। पर उसके जो आइडिया है, एडलर के जो आइडियाज थे वो अलग थे, विपरीत थे फ्रॉयड के आइडिया से। इसलिए उसने एक नया ग्रुप बना के, एक अपनी ही ओरिजिनल थ्योरीज का ग्रुप बनाया, जिसका नाम उसने रखा इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो यूथ बोला, इंडिविजुअल साइकोलॉजी एक नई और टर्म। सो एडलर जो है वो फ्रॉयड का डिसाइपल था। तो फिलॉसफर बोला, नहीं वो नहीं था, ये मिसकंसेप्शन है जिसको हमें खारिज करना चाहिए। तो एडलर एंड फ्रॉयड बहुत अपनी उम्र में बहुत क्लोज थे, और जो उनका रिलेशनशिप था वो रिसर्चर की तरह था, मतलब दोनों इक्वल फुटिंग पे थे। पर एडलर जो है वो बहुत अलग था जंग से, जो कि जंग जो फ्रॉयड को अपना पिता मानता था। तो साइकोलॉजी को आमतौर पे, जैसे हम डॉक्टरी फील्ड में भी देखें, फ्रॉयड और जंग से एसोसिएट किया जाता है, बट एडलर ने इसको पूरी दुनिया से एसोसिएट किया, फ्रॉयड जंग के साथ भी। इसीलिए इन तीनों को तीन महान आदमी या महान रिसर्चर्स, साइकोलॉजिस्ट या जायंट्स कंसीडर किया जाता है साइकोलॉजी की फील्ड में। तो यूथ बोलता है, हाँ मुझे इनके बारे में और पढ़ना चाहिए था। तो आगे फिलॉसफर बोलता है, ये बड़ा नेचुरल है कि तुमने एडलर के बारे में नहीं पढ़ा। तो एडलर खुद सोचता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई उसके बारे में याद नहीं रखेगा, कोई उसको याद नहीं रखेगा, और उसका स्कूल को ऐसे भुला दिया जाएगा कि जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, जैसे कभी वो था ही नहीं। पर उसका आइडिया ये था कि स्कूल को भुला इसलिए दिया जाएगा क्योंकि ये जो साइकोलॉजी है ये लोगों में इतनी कॉमन हो जाएगी कि उसको एक एज अ डिफरेंट स्कूल बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, एग्जाम्पल के लिए डेल कार्नेगी की बुक, बहुत बेहतरीन बुक, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, हाउ टू विन एंड विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि एडलर की साइकोलॉजी के उसमें काफ़ी आइडियाज़ जो है लिए गए हैं। फिर एक और बुक है स्टीफन कोवे की, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसमें भी काफ़ी सारे एडलर्स के आइडिया हैं जो रिजेंबल करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो एडलर की साइकोलॉजी है इसको एज अ रियलाइजेशन समझना चाहिए, कि जो सच सच का संग्रह समझना चाहिए जो कि एक आम इंसान समझ सकता है। फिर भी जो एडलर के आइडिया हैं ये अपने टाइम से 100 साल आगे हैं, आज के टाइम से 100 साल आगे हैं,
और मुझे लगता है कि हम आज भी इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। ये इतने ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग है। तो यूथ बोलता है कि तुम्हारी जो थ्योरीज हैं वो ग्रीक फिलॉसफी से नहीं डेवलप हुई हैं बट एडलीरियन साइकोलॉजी से हुई हैं। तो फिलॉसफर बोला हाँ। तो यूथ आगे बोल रहा है, तो मैं एक और आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा, एक बेसिक क्वेश्चन, कि आप फिलॉसफर हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं? तो फिलॉसफर बोलता है कि मैं फिलॉसफर हूँ और एक ऐसा बंदा हूँ, आदमी हूँ, जो फिलॉसफी पर जीता है, फिलॉसफी को जीता है। और मेरे लिए जो एडलीरियन साइकोलॉजी है, ये एक ऐसा थॉट है जो ग्रीक फिलॉसफी से मिलता जुलता है, और वो एक फिलॉसफी ही है, वो एक साइकोलॉजी नहीं। तो यूथ बोलता है कि ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला चैप्टर जो है ख़त्म होता है, द अननोन थर्ड जायंट, जिसमें बेसिकली हमें यही बताया गया है कि एडलर कौन है और फ्रायड और जंग से उसकी क्या रिलेशन है, एडलीरियन साइकोलॉजी क्या है, और ग्रीक थॉट जो है वो, सॉरी, ग्रीक जो फिलॉसफी है वो एडलीरियन साइकोलॉजी से कैसे मिलती है। तो एक बेस सेटअप हो गया है हमारा। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है व्हाई पीपल कैन चेंज। तो इससे मेरे ख्याल से और अच्छा वार्तालाप होगी, संवाद होगा, जिसमें हम आइडियाज़ जो हैं और ज़्यादा डिस्कस जो हैं कर सकते हैं।